हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समतेन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में। यह गुम्बा मठ 105 साल पुरानी संस्था है, जिसे 1917 में स्थापित किया गया है। मानेदरा नामक स्थान पर रिम्बिक बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद यह स्थान आता है। बुद्धिज्म के अनुसार पंचतत्वों के संतुलन से स्वास्थ्य और सद्भाव उत्पन्न होता है। संदकफू फालुत ट्रेक सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद शाम के वक्त रिम्बिक विलेज में हम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जा रहे हैं। हमारे लोकल साथी से मिलिए। प्राचीन मठ में असीम मानसिक शांति का अनुभव आपको जरूर होगा। यदि आप संदकफू ट्रेक से लौट आ रहे हैं और रिम्बिक जा रहे हैं, तो कृपया इस मठ में जाएं और प्रार्थना जरूर करें। स्थानिक मान्यता यह है कि यदि आप कुछ प्रार्थना करते हैं और जीवन चक्र को घुमाते हैं, तो यह सच हो सकता है। चलिए मॉनेस्ट्री से रिम्बिक बाजार जाने वाले शानदार घुमावदार रूट का आनंद लेते हैं। जगह की सुंदरता और एक पूरी अलग दुनिया का अनुभव करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की सलाह देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लोकल फ्रेंड रिटर्न जर्नी के वक्त भी हमारा साथ दे रहा है। आप देख रहे हैं चोर्टेन, जो सबसे पुराना बौद्ध धार्मिक स्मारक है और मूल रूप से बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए मिट्टी का एक साधारण टीला था। प्रकृति के साथ रूबरू होने के लिए और लोकल लोगों की सभ्यता जानने के लिए कई सारे होमस्टे के ऑप्शन हैं। रिम्बिक दार्जिलिंग का एक रिमोट विलेज है और इसीलिए यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। हमने मेन रोड से थोड़ा अंदर गांव का एक छोटा शॉर्टकट जो खेतों से जाता है वो वाला लिया है,
बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस जैसे ये लोकल घर हमें दिखते हैं। शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और घना कोहरा छा रहा है। इसकी वजह से आगे वाला ये रूट और भी बेहतरीन लग रहा है। बाजार वाले रोड के पास रेड पांडा की मेमोरीज को मन में समाए हमारी हिमालयन यात्रा का आज आखिरी दिन था। यह है हमारा होटल ग्रीन हिल रिम्बिक में। यहाँ के डिनर की स्पेशलिटी तिब्बतियन थुपका और पनीर की सब्जी अलोंग विद फ्राइज। ट्रेक की स्वीट मेमोरीज को याद करके
और यूथ हॉस्टल को फीडबैक फॉर्म फिल करने के बाद हमने हमारे दिन को आज यहीं विश्राम दिया। तो दोस्तों, कैसे लगा आप लोगों को ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।